हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी ने अभी अभी 24 फरवरी के शाम को आयोग के वेबसाइट पे एक भर्ती परिणाम जारी कर दिया है दोस्तों। जैसा कि मैं कई दिन से बता रहा था कि यूपी ट्रिपल एससी के कई भर्ती परिणाम फंसे हुए हैं, जिसमें से एक भर्ती परिणाम यूपी ट्रिपल एससी फरवरी के अंत में जारी करने के पूरे पूरे प्रयास में है दोस्तों। जो आपकी बात एकदम सही साबित हुई, आप सब विश्वास नहीं करते हैं, आप लोग कहते हैं फेक न्यूज़ है, तो आप लोगों के सामने है दोस्तों, परिणाम बिल्कुल जारी हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिस के साथ में। दोस्तों इस वक्त मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको पूरा रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी किसी भर्ती परीक्षा में बैठे हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, हो सकता है आपके भर्ती परिणाम जारी हो गया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और ऐसे ही यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी जानकारी चाहिए किसी भर्ती के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी जानकारी जरूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो में आपकी जानकारी इकट्ठा करके जरूर बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के एस्पिरेंट है, यूपी ट्रिपल एससी के आगामी एग्जाम में आप बैठने वाले हैं, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे बोरिंग टेक्नीशियन हो, या फिर आगामी जो 15,000 भर्ती आ रही है जिसमें राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल और स्टोनोग्राफर जैसे पद शामिल है, इनके लिए एक मास्टर क्रैश कोर्स तैयार किया गया है। सिलेबस को देखते हुए इसमें 4,000+ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने जो अब तक परीक्षाएं आयोजित की है सभी क्वेश्चन को यहां संकलित किया गया है। सिलेबस को पूरा कवर किया गया है, फ्री मॉक टेस्ट दिया गया, प्रैक्टिस सेट है, सॉल्यूशन के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक दिया, 50+ वीडियो क्लासेस दिए गए जिसमें हिंदी, जीके, ग्राम समाज, जो कि आपका चकबंदी है लेखपाल और राजेश लेखपाल में पूछा जाए, ग्राम समाज के 30-30 मिनट के वीडियो में सारे कोर्स खत्म किया गया है दोस्तों। इसकी कीमत मात्र 259 रखी गई, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता ये ऑफर में चल रहा है। मात्र 99 रुपीज़ में क्रैश कोर्स अभी दिया जा रहा है, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मास्टर क्रैश कोर्स से सभी भर्ती में आगामी जो 2020 में भर्ती आएंगे उसमें हेल्प करेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं अगर आप बेसिक लेवल की तैयारी अभी से शुरू करना चाहते हैं। तो जितने भी छात्र इच्छुक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसी तरीके से NTPC ग्रुप डी का भी 99 रुपीज़ का क्रैश कोर्स है, लिंक नीचे मिल जाएगा, उसको भी बाय कर सकते हैं। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर परिणाम को देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इस वक्त हम यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं दोस्तों। आप लोग भी upssc.go.in सर्च करके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो व्यू ऑल यूपी ट्रिपल एससी नोटिस बोर्ड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नीचे जितनी भी नोटिस जारी होती है वो आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर अभी भी आप लोग देख सकते हैं नई नोटिस जारी हुई है परिणाम को लेकर दोस्तों। इसको हम ओपन करके पूरी आपको दिखा देते हैं, आप लोग भी इसकी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ जो परिणाम जारी किया गया उसका ऑफिशियल नोटिस मैंने डाउनलोड कर लिया दोस्तों। देख सकते हैं डेट 24 फरवरी 2020 उत्तर प्रदेश अंदर सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर से ये जारी हुआ है दोस्तों। आयोग के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2018 द्वारा विज्ञापित सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी और प्रदेशीय विकास दल अधिकारी सामान्य चयन प्रयोगात्मक परीक्षा 2018 में जो परीक्षा हुई थी युवा कल्याण अधिकारी और व्यायाम पर्यवेक्षक का दोस्तों, उसका परिणाम काफ़ी दिनों से वेट किया था। 680 पदों पर व्यायाम पर्यवेक्षक, 48 पदों पर यहाँ पर चयन के संबंध में क्रमशः न्यूनतम यानी कि 728 पद टोटल थे, जिसमें से 680 पद व्यायाम पर्यवेक्षक के थे दोस्तों, और बाकी के पद जो आपका युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल के थे। शारीरिक स्वस्थता मापदंड परीक्षा एवं शारीरिक पात्रता की परीक्षा हेतु अर्हर पाए गए अभ्यर्थियों की न्यूनतम शारीरिक स्वास्थ्य मापदंड परीक्षा संख्या सरकारी शारीरिक पात्रता परीक्षा दिनांक 21/10/2019 से 25/10/2019 तक गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज और इन सब कॉलेज में आयोजित किया गया था। आप लोग यहां पर देख सकते हैं आशुतोष मोहन अग्रवर्ती जो सचिव हैं उनके द्वारा ये परिणाम जारी किया गया है। नीचे आप लोग देख सकते हैं अपना रोल नंबर यहाँ पर मैच कर सकते हैं, सभी छात्रों का यहाँ पर जितने भी सिलेक्टेड हैं उनका रोल नंबर दे दिया गया है। आप लोग अपना रोल नंबर यहां पर चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर कुछ भी हो तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। पद का नाम है व्यायाम प्रशिक्षक, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहां पर सारे जानकारी यहां पर मिल जाएंगी आपको टोटल। उसके बाद में आपका शारीरिक स्वास्थ्य मापदंड में सफल नहीं होने वाले और उक्त परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को शारीरिक पात्रता परीक्षा परिणाम के उपरोक्त सूची में अब्सेंट अंकित किया गया है। जो लोग अब्सेंट थे उनका यहाँ पर या नॉट क्वालिफाइड भी बताया गया है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं इसका डाउनलोड करके दोस्तों। और जल्द ही आपका एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का भी फरवरी माह के अंत तक ही जारी करने की पूरी संभावना है, हो सकता है मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाए, लेकिन जहाँ तक पूरी तैयारी हो चुकी है उसकी तो आपका फरवरी के एंड तक उसको भी दे दिया जाएगा दोस्तों। तो पूरी जानकारी यहां पर मैंने दे दी है, अगर कोई भी जानकारी आप बची है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अपने परीक्षा के परिणाम या अपने परीक्षा की तिथि की जानकारी के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें दोस्तों, जानकारी इकट्ठा करके आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज है दोस्तों, लाइक जरूर किया करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।